विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करेंगे। तो हजारों कार्यकर्ता जनता को अब जागरूक करेंगे। 5 KD से हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस अभियान की शुरुआत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज इस अभियान की शुरुआत की गई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा, विश्व जनसंख्या दिवस का मौका और इस खास अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हजारों कार्यकर्ताओं को रवाना किया, जो जनता को जागरूक करेंगे बढ़ती जनसंख्या को लेकर। देखिए, इस रैली का यह मकसद है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, हम दो और हमारे दो, ताकि जो दो बच्चे पैदा हों वो शिक्षित हों, उनको सब सुविधाएं मिले, और जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उस पर हम जब रोक लगाएंगे तो जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस रैली का उद्देश्य यही है। आज से हमारा एक पखवाड़ा शुरू हो रहा है, विभिन्न गांवों में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के द्वारा, चिकित्सा विभाग के जितने भी स्टाफ हैं उनके द्वारा ये जागरूकता पैदा की जाएगी और लोगों को इस बात से भिज्ञ कराया जाएगा कि परिवार नियंत्रण के लिए, प्लान करने के लिए क्या क्या विधियां उपलब्ध हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 5KD आवास पर एक रैली को रवाना किया, जिसका मतलब है छोटा परिवार सुखी परिवार। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार जागरूक है। इस कार्यक्रम के अवसर पर खुद मुख्यमंत्री की पत्नी सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ इत्तेशाम सिद्दीकी, ईटीवी न्यूज लखनऊ।